प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री के अंगों से मिलने वाले कौन से वो शुभ संकेत हैं जो बनाते हैं अपने पति को भाग्यशाली, और कौन सी वो स्त्रियां होती हैं और कौन से वो उनमें संकेत होते हैं जिनसे उनके पति का दुर्भाग्य होते हुए भी वो सौभाग्य में तब्दील हो जाता है, सौभाग्य में बदल जाता है। तो मित्रों, बहुत ही रोचक वीडियो। अगर आप जानकारी पूरी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हमें कई चीज़ों की जानकारी मिलती है जो हमारे लिए काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें, समुद्र शास्त्र भारतीय ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को देखकर उसके बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। ठीक उसी प्रकार गरुड़ पुराण के अंग के आचार कांड में भगवान श्री हरि में स्त्री पुरुष के शुभ अशुभ लक्षण बताए हैं। इन लक्षणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस संसार में स्त्री से बड़ा कोई रहस्यमय प्राणी इस धरती पर नहीं है, और इसलिए यदि स्त्री के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो इसके लिए सामुद्रिक शास्त्र के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं है। कहते हैं, किसी परिवार की शुरुआत एक स्त्री के बिना नहीं हो सकती, और इसलिए स्त्री को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। जब भी किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि जो लड़की उनके घर में बहू बनकर आए वो अपने पति और अपने परिवार वालों के लिए सौभाग्य लेकर आए। आज हम आपको स्त्री अंगों से जुड़े कुछ ऐसे शुभ संकेत बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली है। जिन व्यक्ति की पत्नी में ये संकेत होते हैं शास्त्र के अनुसार उन्हें सौभाग्यशाली कहा गया है। तो मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि कौन से वो संकेत हैं, क्या संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि भाग्यशाली जो स्त्री है वो कैसी होती है। एक सुंदर, एक समान और एक कोमल कान वाली स्त्रियाँ श्रेष्ठ मानी गई हैं। ऐसी स्त्री पति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती हैं। नेक्स्ट हम संकेत की बात करें मित्रों, तो सबसे बड़ा जो संकेत है वो देखने को मिलता है पैरों में। पैर जो होते हैं वो कोमल होते हैं, और पैरों पे अगर एड़ियों के नीचे निशान होते हैं तो वो काफ़ी सुंदर माने गए हैं। तलवों पर स्त्री के पैरों के तलवों पर पसीना नहीं आता है, तलवे बहुत कोमल होते हैं, वह किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है। कौन सी स्त्री? जिस स्त्री के पैरों के तलवों पर पसीना नहीं आता और तलवे बहुत कोमल होते हैं, वह किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को सौभाग्य में लेकर आती है और सौभाग्य में बदलती है, ऐसा माना गया है। अगले संकेत की मित्रों हम बात करें तो आप नाखूनों को देख रहे हैं। मतलब नाखूनों को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा भी बताया गया है और बुरा भी बताया गया है। दोनों ही प्रकार के राज ये स्त्रियों के बारे में खोलते हैं। परंतु अब मतलब हम सीधे सटीक शब्दों में बात करें कि स्त्रियों की जो हथेलियाँ होती हैं और जो पैर के आगे का हिस्सा होता है उसमें कई राज छुपे होते हैं। जैसे कि अगर किसी स्त्री हथेलियों में मणिबंध से लेकर रेखाएं मिडिल फिंगर तक जा रही हैं तो ये शुभ संकेत है, और ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, और उसके पति के जीवन में भी जो है अपार धन संपदा उन्हें दोनों ही मिलती है। साथ ही साथ में हथेलियों की भी बात करते हैं, अगर पत्नी की जो हथेलियाँ हैं वो भी शुभ संकेत देती हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रिय मित्रों की, जिस स्त्री के दांत एक समान और सुंदर दिखते हैं, जिसकी बोली कोयल के समान मधुर होती है, वह स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। सुंदर, एक समान, कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं। ऐसी स्त्री पति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती हैं। जिन स्त्रियों को एक समान कोमल कान वाली और मधुर वाणी की होती हैं, ऐसी स्त्रियां पति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती हैं। मतलब ऐसी स्त्री से शादी करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ज्योतिष शास्त्र और समुद्र शास्त्र दोनों के अनुसार जिस स्त्री के बालों के बारे में बात करें, चिकने बाल होते हैं, घुंघराले होते हैं, सुंदर होते हैं, चमकदार होते हैं और स्वस्थ दिखते हैं, वह हमेशा ही अपने पति का जो भाग्य है उसके साथ में बनी रहती है और सौभाग्यवती कहलाती है। चिकने होते हैं बाल, घुंघराले होते हैं, सुंदर होते हैं, चमकदार होते हैं और स्वस्थ दिखते हैं, वह हमेशा ही अपने पति के भाग्य का साथ जो है वह प्राप्त करती है।
इसके अलावा बात करें मित्रों, अतेलियों के पास मणिबंद सुंदर और भरे हुए दिखाई देते हैं, वह भी किस्मत वाली स्त्रियों को कहा गया है। ऐसा समुद्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में माना गया है, ऐसा संकेत दिखाई पड़ता है। स्त्री के पांव और हाथों के नाखून चिकने, तलवे एक समान, नाखूनों का रंग गुलाबी और उंगलियां सुंदर दिखाई देती हैं। उसके पति का भाग्य का साथ मिलता है और वह सभी सुख सुविधाएं जो हैं वह प्राप्त करती हैं, मतलब सदैव उनके ऊपर जो लक्ष्मी की कृपा है, माता लक्ष्मी की, वह बनाए रखती है। और अगर इसके अलावा अगर किसी पुरुष की पत्नी की अतेलियाँ कमल की तरह लाल कोमल है, अतेलियों में शुभ रेखाएं हैं, वह भाग्य का धनी होता है और अपने परिवार को जीवन से खुशियों से भर देता है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र और समुद्र शास्त्र दोनों में बताया गया है। तो मित्रों, ये छोटी छोटी बातें थी जो हमारे जीवन में बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी, महत्वपूर्ण थी। अगर आप इन बातों को ध्यान से देखते हैं और अपनाते हैं जीवन में, तो आप बहुत सी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी है, जैसे वशीकरण है, मनचाहा प्यार, प्रेम विवाह, प्यार में धोखा, किया किराया, ग्रह क्लेश, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में अनबन, विदेश यात्रा, किसी भी प्रकार की A to Z समस्या है, तो आप स्वामी जी से सीधा संपर्क कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।